डेली इंसाइडर द्वारा 5 जून को शुरू किए गए मुहिम एक व्यक्ति एक पेड़ से अब गोयल इंस्टीट्यूट भी जुड़ चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से गोयल इंस्टीट्यूट हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हुआ, इसके साथ ही उन लोगों ने पौधे भी लगाए। वहीं आज गोयल इंस्टीट्यूट का आज 15वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस की खास बात यह है कि आज भी इन लोगों ने अपने इस खास अवसर को पौधारोपण कार्यक्रम में तब्दील कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोयल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मौजूद हैं यहाँ पर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज फाउंडेशन डे था, लेकिन इसको भी आप लोगों ने पौधारोपण के एक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया? मैं 2008 से गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आज के दिन एक संकल्प लेके लगभग 500 पौधे, विभिन्न छायादार फलदार पेड़ लगाने का संकल्प जो हम लोगों ने स्थापना दिवस को किया था, हम अपने स्थापना दिवस को हर साल वृक्षारोपण अभियान के तहत जोड़ के और उसी के तहत हर साल हम लोग की कोशिश रहती है कि कैंपस में लगभग 500 नए पौधे रोपे जाएं। और उसकी एक झलक आप देख भी रही हैं कि जहां आप खड़ी हुई हैं वहां पे भी एक फलदार वृक्ष के नीचे खड़ी हुई हैं और उसके फरिंदे आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो संस्था का यही कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी ग्रीन एटमॉस्फेयर, ग्रीन कैंपस मिले, उसके एक क्रम में हमारी एक कोशिश है अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, कि हम लोग एक ग्रीन एनवायरनमेंट दे सकें। तो जैसे भी सर ने बताया था कि हमारे यहाँ फलदार वृक्ष भी हैं, उसके साथ ही कुछ औषधीय पौधे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो उनमें क्या क्या शामिल है? धन्यवाद शिवांगी। मैं इस गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रधानाचार्य होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रीनरी के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं वो तो लगाए ही जा रहे हैं। हमारा एक मेडिसिनल प्लांट्स का हर्बल गार्डन है जिसमें करीब करीब 2000 औषधियाँ उसमें लगी हुई हैं और अभी हम लगातार उसमें उसकी वृद्धि करते जा रहे हैं। कारण एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, आचार्य चरक ने चरक संहिता में एक सूत्र दिया है कि नान औषध भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्यते, मतलब इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं सब के सब औषधीय गुणों वाले हैं। जरूरत इस बात की होती है कि हम उसकी पहचान कर सकें, उसकी गुणवत्ता को जान सकें और उसका उपयोग कर सकें मानवता के लिए, रोगियों के लिए और प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक दूब घास है, दूरबा, हर जगह अपने आप उगती है। अगर दूरबा का स्वरस एक चम्मच भी अगर किसी ऐसे मरीज को पिलाएं जिसको हेमरेज हो रहा हो, वो तुरंत का तुरंत बंद हो जाता है। तो ये हमारी उपलब्धि है आयुर्वेद की। इसी तरीके से हम किसी भी ग्रीन औषधि को विभिन्न रोगों में अपने ज्ञान के द्वारा, आयुर्वेद के ज्ञान के द्वारा उपयोग में लाते रहते हैं और हमें जनता को जागरूक करना है कि वो वापस फिर से हर्बल मेडिसिन की तरफ आए। धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज फाउंडेशन डे के मौके पर आप लोगों ने इतने सारे पौधे लगाए हैं, एक अच्छा अभियान की शुरुआत की है, एक कायदे से फलदार वृक्ष लगाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इतने पौधे तो लगा दिए गए, किस तरह से इनकी देखरेख की जाएगी? जिस तरह से देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर हम लोग मना रहे हैं, ठीक उसी तरह से गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का यह 15वां स्थापना दिवस है और न केवल शिक्षा के प्रति बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी हमारा, हम कटिबद्ध हैं कि हम शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। हम आभारी हैं डेली इनसाइडर के एक व्यक्ति एक पेड़ के मुहिम के साथ। पिछले महीने भी हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया था, अब इसको हम लोग व्यापक पैमाने पर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपेक्षा करेंगे बाकी लोगों से कि वह भी एक व्यक्ति एक पेड़ की मुहिम के साथ जुड़े। धन्यवाद। सर, जैसे हमारी इस मुहिम से गोयल इंस्टीट्यूट जुड़ा है और आज खुद गोयल इंस्टीट्यूट ने एक कदम उठाया अपने स्थापना दिवस के मौके पर, इतने वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पर, किस नज़र से देख रहे हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। ये एक्चुअली पिछले 14 साल से चल रहा है ये हमारा जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम है और हर साल ही करीब 150-200, इस साल ज़्यादा वृक्ष लगा रहे हैं हम।
हमारा उद्देश्य यही है कि इसको बिल्कुल ग्रीन कैंपस बना दिया जाए। अभी जो हमारे फर्दर प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, उसमें हमारा लैंडस्केपिंग की प्लानिंग है। जो हमारे सामने वाले लॉन्स हैं उसमें हम लैंडस्केपिंग करा के और फूल वाला बिल्कुल एक क्लस्टर बना देंगे उसका, जंगल टाइप का। इसी तरह से हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट के सामने भी हम ढेर सारे पौधे और पेड़ लगा रहे हैं जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। जैसे ये भी आप देख रहे हैं इधर भी, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये वाले मेडिसिनल प्लांट है। और एक मेडिसिनल प्लांट का एक साइट हमारी उधर गोयल, जो हमारा GIPS यानी फार्मेसी डिवीज़न है, वहाँ भी हमारे पास करीब 150 से 200 पेड़ लगे हुए हैं। अभी हमारा प्लान यही है कि हम छोटे और बड़े पेड़ दोनों लगाएं, ताकि छायादार पेड़ भी हों कुछ और कुछ फलदार पेड़ भी हो। उस फलदार पेड़ में हमारे पास जामुन है, अमरूद हैं और आम हैं। ये तीन जो हम उसके जो हम फल वाले जो पेड़ लगा रहे हैं, ये पेड़ लगा रहे हैं। यही है कि इससे आने वाले टाइम में कैंपस में खूबसूरती बढ़ेगी, एनवायरनमेंट क्लीन होगा और पढ़ाई में भी अच्छा होगा लोगों को, थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ गोयल इंस्टीट्यूट में मौजूद थे। इन लोगों ने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर इन लोगों ने डेली इंसाइडर के साथ मिल करके पौधारोपण की शुरुआत की है और आज भी इन लोगों ने लगभग 1600 से 1800 तक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जो कि गोयल इंस्टीट्यूट पिछले कई सालों से करता चला आ रहा है। साथ ही इन लोगों का लक्ष्य ये भी है कि जिस तरीके से कैंपस में हरियाली रहेगी, ग्रीनरी रहेगी, तो वहीं कैंपस का वातावरण भी सही होगा और बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगेगा। इसके साथ ही फलदार वृक्ष तो ये लोग लगा ही रहे हैं, इसके साथ ही जो जड़ी बूटी वाले हैं और तमाम तरीके के दवाई में काम करने वाले पौधे हैं गोयल इंस्टीट्यूट, उसमें भी उसका भी पौधारोपण करके काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा देता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।